السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. كتاب الطهارة ये बाब है मौज़ू पर मसा करने के बारे में, यानी हम मुमकिन तौर पर सर्दियों का जब मौसम आता है, गर्मियों में बहुत कम होता है, सर्दियों के मौसम में जुराबें मौज़े सॉक्स पहन लेते हैं हम, इनका पहनना और पहनने के बाद मसा करना इसका क्या हुक्म है, क्या शर्त है, कब तक पहनी जा सकती है, मसा कैसे करेंगे, नमाज के लिए वुदू के दौरान क्या करेंगे, गुसल करना पड़ जाए तो फिर क्या हुक्म है, कितनी नमाजें मसा करके पढ़ सकते हैं, ये सारे अहकाम इस बाब में आएंगे। इस किताब की हदीस नंबर 21 है, 21। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुंतु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, फी सफरिन एक सफर में, फअहवैतु कहते हैं मैं झुका, अहवा युहवी, फअहवैतु बस मैं झुका, तो मैं झुका, क्यों, लिअन्ज़िअ खुफ़ैही, ताकि मैं उतारूं आपके मौज़े आपकी जुराबें वो उतार दूं। अहवा का माना होता है झुकना, अहवा का माना क्या होता है, झुकना, और अनज़ा का माना होता है उतारना, तो फअहवैतु मैं झुका, लिअन्ज़िअ खुफ़ैही ताकि मैं उतारूं खुफ़ैही आपके दोनों मौज़ू को, आपकी दोनों जुराबों को, फ़क़ाल तो आपने फरमाया दअहुमा इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो यानी मत उतारो। वो सहाबी मुगीरा बिन शोबा रसूलुल्लाह सल्लम के पांव मुबारक से आपके जुराबों को उतार रहे थे, क्योंकि आप वुजू कर रहे थे, वुजू में पांव धोना शर्त है, इसलिए वो उतारने लगे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दाहुमा इन दोनों को छोड़ दो, क्यों, फइन्नी अदखलतुहुमा इसलिए कि मैंने इन दोनों पांव को इन दोनों जुराबों में दाखिल किया है, मैंने अपने दोनों पांव को इन दोनों जुराबों में दाखिल किया है, ताहिरतैनि वुदू की हालत में, इस हाल में कि वो दोनों पाक थे, वो दोनों पांव पाक थे यानी वुदू किया हुआ था मैंने, फमासाहा आपने मसा किया, अलैहिमा उन दोनों पर यानी उन दोनों पांव पर जो जुराबे चढ़ी हुई थी आपने उन दोनों के ऊपर मसा कर दिया, मुत्तफकुन अलैह यानी बुखारी मुस्लिम, ये सही बुखारी किताबुल वुदू के अंदर और सही मुस्लिम किताबुल तहारा के अंदर यह हदीस मौजूद है। ये ग़ज़वा तबूक का वाक़या है, ग़ज़वा तबूक, फजर के वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़े फजर के लिए वुदू फरमा रहे थे,
मुगीरा बिन शोबा आपको वुदू करा रहे थे, आपकी खिदमत कर रहे थे। वुदू करते करते जब बारी आई पांव धोने की, तो नबी इस्लाम ने हालत सफर में आपने जुराबे पहनी हुई थी दोनों पांव में, तो उन्होंने उतारने की कोशिश की तो आपने मना कर दिया मत उतारो। और आपने वजह क्या बताई कि मैंने वुदू की हालत में ये दोनों मोजे पहने थे, और जब कोई वुदू की हालत में मोजे पहन ले तो फिर उसे उतारने की जरूरत नहीं है, बल्कि वुदू करते वक्त अपने हाथ से, एक हाथ से पांव के ऊपर वाले हिस्से पर मसा कर लिया जाए एक एक बार, एक हाथ से दोनों पांव के ऊपर वाले हिस्से पर एक एक बार मसा कर लिया जाए, नीचे नहीं। इससे पता क्या चला, मसा सुन्नत है। हालत सफर में है या हालत हजर में, यानी आप सफर में नहीं है, अपने इलाके में रिहाइश पजीर है, मौसम गर्मी है या सर्दी, आपने चढ़ा लिए मोजे, आपने पहन लिए पांव में जुराब, अगर तो आपने वुदू करके पहने थे तो आप वुदू के दौरान उसे मत उतारें, मसा कर लें। और अगर आपने वुदू नहीं किया था तो फिर आप उतारेंगे, पांव धोएंगे, उसके बाद फिर आप मोजे चढ़ा लें, उसके बाद आप क्या करेंगे, मोजे चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आप आगे तफसील आ रही है। एक इंसान हालत सफर में है तो हालत सफर में आप तीन दिन तक, तीन रातें तीन दिन तक मोजे ना उतारें, आप मसा करें, जायज है। और जब आप सफर में नहीं अपने इलाके में हैं तो एक दिन एक रात यानी 24 घंटे तक आपको इजाजत है, आप मसा कर सकते हैं, आप पहने रखें, लेकिन 24 घंटे के बाद अब आपको उतार कर वुजू करके दोबारा पहनने होंगे। आगे तफसील आ रही है, चले अब मसाइल लिखें, बल्कि एक और हदीस पढ़ लें, उस हदीस को पढ़ने के बाद फिर हम मजमूई मसाइल लिखवाते हैं इंशाल्लाह। कुछ दो इन हदीस से साबित हैं, कुछ वैसे ही जो जरूरी हैं वो मसाइल आपको बताते हैं इंशाल्लाह। अगली हदीस पढ़ते हैं, हदीस नंबर 22, हुदैफा बिन यमान रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुंतु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, सफर एक सफर में, फबाला आपने पेशाब किया, वतवद्दा और आपने वुदू किया, इधर चले जाओ, स्टॉप स्टॉप इधर चले जाओ, फिर इसके बाद देखो आगे कहीं देखने कहीं मिल जाए, वतवद्दा और आपने क्या किया, वुदू, सही है, फबाला का माना आपने पेशाब किया, वतवद्दा और आपने वुदू किया, वमसहा अला खुफ्फैही और आपने अपने मोजों पर मसा किया, ठीक है, अपने जुराबों पर मसा किया आपने। मुख्तसरन, ये हदीस मुख्तसर है, यानी एक लंबी हदीस है, लेकिन उस हदीस में जो हमारा चैप्टर है, उनवान है, उससे इतना हिस्सा ताल्लुक रखता था और उसे जिक्र कर दिया यहाँ। अच्छा, कुछ ऐसी तफसील थी, नबी अलैहिस्सलाम गुजरे एक कौम के कचरे के ढेर के पास से आप गुजरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशाब की हाजत लाई हुई कि आपने पेशाब करना था, तो कचरा पड़ा हुआ था, ढेर लगा हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ रुक करके खड़े होकर पेशाब किया आपने,
हुज़ैफा बिन यमान नबी अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े हो गए, आपको पीछे से पर्दा किया, उन्होंने मुंह दूसरी जानिब था, पीठ आपकी तरफ थी, और नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया। और उसके बाद फिर आप वुजू के लिए आए, आपने वुजू किया और मौजे पहने हुए थे, जुराबे पहनी हुई थी, आपने उतारी नहीं बल्कि आपने मसा करके अपने वुजू को मुकम्मल किया। अब हम लिखते हैं मसाइल, ठीक है। नंबर एक, मौज़ू पर मसा करना सुन्नत से साबित है, जुराबों पर मसा करना सुन्नत से साबित है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वुदू करके पहने गए हों, हालत वुदू में पहने गए हों। शर्त क्या है कि वो जुराब या वो मौदे हालत वुदू में पहने गए हों। नंबर दो, मसा एक हाथ से पांव के ऊपर वाले हिस्से पर किया जाएगा, ना के नीचे वाले हिस्से पर। मौज़ू पर मसा, मसा जो है वो पांव के ऊपर वाले हिस्से पर किया जाएगा एक हाथ से, ना के नीचे वाले हिस्से की तरफ। यहां पर सैयदना अली रजी अल्लाह तआला की एक हदीस याद आई जो मसा से मसाइल से हटकर है। फरमाया करते हैं, लौ कान दीन बिर्राही लकान असफलुल खुफ्फी औला बिल मस्सी मिन आलाहु। अगर दीन अकल और राय का नाम होता, अगर दीन अकल और राय का नाम होता तो हम जो पांव पर मसा करते हैं ना मौदे की हालत में, वो नीचे होना चाहिए था, ऊपर नहीं, मट्टी नीचे लगती है। लेकिन शरीयत अकल के ताबे नहीं है, अकल शरीयत के ताबे है, इसलिए ये तालीम दी है जैसे शरीयत कहेगी वैसे करना है। आप मट्टी नीचे लगी है लेकिन शरीयत ने कहा मसा ऊपर करना है तो ऊपर ही करना है। कुछ लोग अकल के गुलाम होते हैं, अकल के। जिस तरह हमारे ये लिबरल किस्म के नाम निहाद पाकिस्तानी और इस्लामी सियासतदानों में से एक फवाद चौधरी, जिसने साइंसी एतबार से एक मसला गढ़ा है कि जनाब चांद की पैदाइश हो गई तो समझ लो चांद आ गया, नजर आए ना आए, जबकि अल्लाह के रसूल का फरमान है 29 तारीख को अगर तुम चांद देख लो तो फिर तुम्हारा महीना मुकम्मल हो गया या नया महीना शुरू हो गया। चांद नजर ना आए मतलब अबरा आलूद है, तो फिर तुमने 30 की तादाद को पूरा करना है। ये मसला है बिल्कुल वादे, लेकिन भाई चांद की पैदाइश हो गई है, चांद ये है और वो है, लिहाजा इस तारीख को चांद नजर आए या ना आए, इस तारीख को महीना मुकम्मल हुआ नया महीना शुरू हुआ, इस तरह के हजारों मसाइल है। दीन को हमने पीछे डाल दिया है, दुनिया को अपना लिबरल चेहरा दिखाना है, मादियत परस्त मुलहिद किस्म के लोग जो दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं और दीनदार लोगों और दीनदार तबके का मजाक उड़ाते हैं, दुनियादारी में ये समझते कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब दीनदारी का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। ऐसे लोग ये समझ लें, दीन अकल का नाम नहीं है, दीन आपके दुनियावी डिग्रियों का नाम नहीं है, दीन आपकी दौलत का नाम नहीं है, दीन आपके ताल्लुकात का नाम नहीं है, दीन आपके ओहदे का नाम नहीं है, दीन कुरान और हदीस का नाम है जिसके ताबे हमारी अकल है। ये दीन हमारे
अकल के ताबे नहीं है। तीसरा मसला। अच्छा फिर इसमें आप बाएं हाथ से मसा कर ले या दाएं हाथ से मसा कर ले कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाली सतह पर है। मट्टी लगी हो तो नीचे हाथ से उल्टे हाथ से ही साफ करना चाहिए, लेकिन ऊपर मट्टी तो नहीं लगी होती। याद अगर दाएं हाथ से भी मसा कर ले तो कोई हर्ज नहीं, बाएं हाथ से करते हैं तो कोई भी हर्ज नहीं। नंबर तीन, तीसरा मसला है, उलामा और बुजुर्गों की खिदमत पसंदीदा अमल है, एक अच्छा अमल है। उलमा और बुजुर्गों की खिदमत मुस्तहब अमल है, पसंदीदा अमल है। अल्लाह के रसूल की खिदमत हो रही है ना, नंबर चार, मुसाफिर तीन दिन तीन रातें मुसाफिर तीन दिन तीन रातें और मुकीम एक दिन और एक रात, एक दिन और एक रात मौदों पर मसा कर सकता है। मुकीम उसे कहते हैं जो मुसाफिर नहीं है, अपने इलाके में अपनी सोसाइटी शहर में रहता है। ये ज्यादा से ज्यादा लिमिट है, वगरना आपकी मर्जी है, एक नमाज पढ़ने के बाद उतार दें आप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लिमिट ये है। नंबर पांच, वुजू टूटने की सूरत में वुजू करते वक्त मौदों पर मसा करना जायज और दुरुस्त है। जबकि गुसल वाजिब होने की सूरत में उसे उतारना जरूरी है। जबकि गुसल वाजिब होने की सूरत में उसे उतारना जरूरी है। गुसल कर रहे हैं, वुजू भी गुसल है तो उसे उतारना होगा। गुसल नहीं है, वुजू टूटा है तो मसा कर लें आप। ठीक है जी। अच्छा यहाँ दो मसले और मैं बता दूं आपको। कुछ लोगों के मोजे जुराबे फटी भी होती हैं और कुछ लोग छोटी जुराबे पहनते हैं जो टखनों से नीचे होती है, टखने नजर आ रहे होते हैं। ऐसी दोनों मोजों पर मसा नहीं हो सकता। ये भी लिख लें आप, अगर मोजे ज्यादा मिकदार में फटे हुए हैं या वो टखनों से नीचे हैं, दोनों सूरतों में उस पर मसा जायज नहीं है। अच्छा इसकी कोई मिकदार नहीं है, अगर वो थोड़ा सा फटा हुआ है तो उसमें कोई अर्ज नहीं, लेकिन वो अगर पांव का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है
पांव का अगर कुछ हिस्सा नजर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप मौजे नहीं है। और कुछ इतने बारीक होते हैं तो पूरा पांव नजर आ रहा होता है, जाहिर है उसमें भी मसा करना दुरुस्त नहीं है। इन चीजों का ख्याल रखना है। अब एक और बात ध्यान में रख लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मसा करके नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद जो है वो अपना मौदा उतार के थोड़ी देर लेट कर दोबारा वो पहन लेते हैं। अब जब दोबारा पहन रहे हैं तो वुदू की हालत में नहीं है वो, अगर जो उसका वुदू नहीं टूटा था, लेकिन उसने मौदे मसा करके पहने थे, पांव धोकर नहीं पहने थे, इसलिए अब दोबारा उसको वुदू करना होगा और पांव धोकर मौजे पहनने होंगे। ठीक है, अब आगे बाबुल मदी, यहां से शुरू आगाज हो रहा है वुजू तोड़ देने वाली चीजों का बयान, उन चीजों का बयान जिससे वुजू टूट जाता है। ठीक है, जिसको हम अरबी में उर्दू में नवाकद वुदू कहते हैं, वुदू को तोड़ देने वाली चीजों का बयान। सबसे पहले है मदी का बयान, इसका बयान है मदी। ये किसे कहते हैं? मदी कहते हैं तीन चीजें हैं, मदी, वदी और मनी। तीनों का नाम मैं लिख देता हूं, मदी, वदी ये तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। दो चीजों से तो वुजू टूट जाता है, मदी और बदी से। बदी जो है ये बहुत पतला सा एक पानी है, जब इंसान अपनी बीवी से कुर्बत इख्तियार करता है और हक के ज़ौजियत का इरादा करता है, इब्तिदान कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये मसला होता है बदी और बदी का, बहुत ही ज्यादा बारीक पानी है, बिल्कुल इब्तिदान खारिज जो होता है उसको बदी कहते हैं। और कुछ वक्फे के साथ ये पानी का खुरूज होता है, इसको मदी कहते हैं। अच्छा, इन दोनों पानी के खुरूज से इंसान की जो एक जो जज्बात होते हैं उसके, जो उसका एक एक कैफियत होती है, जो उसकी एक एक हक के ज़ौजियत के ताल्लुक से उसके एक जज्बात होते हैं, उसकी एक कुव्वत होती है, उसका जो इरादा होता है उसमें कमी नहीं आती इस बदी और मदी से। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, बिल्कुल इब्तदान मदी, कुछ वक्फे से वो मदी कहलाती है। इन दोनों से इंसान का वुजू टूट जाता है, लेकिन ये याद रहे, इसकी पहचान ये कि इंसान के जज्बे में, उसकी कुव्वत में, उसके इरादे मुजामत में अपनी बीवी से ताल्लुकात को कायम करने में कमजोरी नहीं आती। हाँ, जब इंसान वो मादा जिसको मादा मनविया कहते हैं, मादा मनी कहते हैं, जो तीसरा जिससे इंसान पर गुसल फर्द हो जाता है, उसके खुरूज से इंसान की शहवत खत्म हो जाती है,
जब इंसान अपनी बीवी से ज़ौजियत का हक अदा कर लेता है, उस पानी का जो खुरूज होता है उससे इंसान पर गुसल फर्द हो जाता है, और ऐसी सूरत में इंसान के जो जो जज्बात होते हैं, जो कुव्वत होती है, वो खत्म हो जाती है। ये तीन किस्म के पानी है, दो से वुदू टूटता है और तीसरा जो है उससे इंसान पर गुसल फर्द हो जाता है। तीनों के अहकामात इंशाल्लाह यहाँ आएंगे। तो मदी और वदी का एक ही हुक्म है जो यहाँ बयान हो रहा है। अनाली की इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, कुंतु रजुलन मद्दाअन, फरमाते हैं सैयद अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं ऐसा आदमी था जिसको बहुत ज्यादा मदी आया करती थी, मैं बहुत ज्यादा मदी वाला शख्स था। मदी मैंने बता दिया, शहवत और इब्तदाए बीवी से इरादा है, जिमा के इब्तदान जिस पानी का खुरूज होता है उसको मदी कहते हैं। तो मेरे साथ ये मसला बहुत ज्यादा था कि ये मैं बहुत ही ज्यादा मजी वाला शख्स था, फस्ता ही यही तू, कहते हैं कि मुझे शर्म आई, अन अस्अला रसूल अल्लाह, कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लम से सवाल करूं इस मदी के बारे में कि इससे क्या वजू टूट जाता है या नहीं टूटता। क्यों शर्म आई? ली मकानती बनी ही मिन्नी, आपकी बेटी का मेरे यहाँ जो एक दर्जा मकाम था इस वजह से, यानी आपकी बेटी मेरी बीवी है, तो जाहिर है जब आपकी बेटी मेरी बीवी है तो मैं अपने ससुर से इस तरह का सवाल कैसे कर सकता हूँ, इस तरह का सवाल कैसे कर सकता हूँ, यानी मुझे अपने ससुर से ये सवाल करते हुए हया आई। ससुर का बड़ा एहतराम होना चाहिए। अमरतुल मिकदाद बिन अल अस्वद, मैंने मिकदाद बिन अस्वद को हुक्म दिया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने हुक्म दिया मिकदाद बिन अस्वद को, फसअलहू, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, यानी मिकदाद ने, फसअलहू, उन्होंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, फकाल, तो आपने फरमाया, यानी आपने जवाब दिया, क्या कहा, यगसीलू दकरहू, ऐसा शख्स अपनी शर्मगाह को धोएगा, वयतवद्दाउ, और वुजू करेगा। ये जवाब है, अपनी शर्मगाह को धोकर वुजू कर ले, यानी इससे वुजू टूट जाएगा, गुसल फर्ज नहीं होगा। सही बुखारी के अल्फाज है, आपने फरमाया यगसील दकरहू, अपनी शर्मगाह को धो लो, वतवद्दा, और वुदू कर। सही मुस्लिम में तवद्दा, वुदू कर, बंदा फरजक, और अपनी शर्मगाह पर पानी फेंक दो, पानी का छिड़काव कर दो। तो इससे पता चला कि इंसान के कपड़े पर अगर या शर्मगाह पर वो पानी लग गया है तो उस पर पानी डाल दे, साफ कर ले उसको, और उसके बाद वुदू कर ले, गुसल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो ये है ना कि सही मुस्लिम में है वुदू करो और अपने शर्मगाह पर पानी के छींटे बहाओ, तो ये बहाओ है, बहुत तरतीब के लिए नहीं आता, मतलब ये क्या, पहले सफाई कर लो उसके बाद वुदू कर लो। इस हदीस के कुछ मसाइल है वो लिख लीजिए। पहला मसला, मदी खारिज होने की सूरत में वुदू टूट जाता है। मदी खारिज होने की सूरत में वुदू टूट जाता है। नंबर दो, मजी खारिज होने की सूरत में
अपनी शर्मगाह को धोकर वुदू कर लिया जाए, गुस्ल जरूरी नहीं है। मजी खारिज होने की सूरत में अपनी शर्मगाह को धोकर वुदू कर लिया जाए, गुस्ल जरूरी नहीं है। तीसरा मसला यह है, इंसान को चाहिए कि अपने ससुराली रिश्तेदारों का एहतराम करे, बिलखसूस अपने ससुर का। नंबर चार, किसी मसले के हल में, किसी मसले के हल में शर्म रुकावट नहीं बननी चाहिए। किसी मसले के हल में शर्म रुकावट नहीं बननी चाहिए। देखें, वाकई दिन इनको हया वाला मसला था, लेकिन इन्होंने फिर सवाल पूछवाया जरूर है, ऐसे नहीं है कि छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते, मसाइल शरी मसाइल, बहुत जरूरी मसाइल मालूम नहीं होते, शर्म की वजह से वो सवाल नहीं करते, जबकि शर्म शरी मसाइल में बिल्कुल भी जायज नहीं है। अब हम आपके कुछ सवालात लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्लास खत्म कर देंगे। जो सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए, सबक से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वो मैंने लिख दी है ना ऊपर, वो देख लें, ऊपर लिख दी है मैंने, मजी बदी मनी। नहीं नहीं पहले सीधे हाथ, पहले सीधा पाऊं फिर बायां पाऊं, एक हाथ इस्तेमाल करें। छींटे मार दिए जाएं काफी है, कपड़े को लग गया तो उस पर छींटे मार दिए जाएं काफी है। टूट नहीं गया तो ऐसे शख्स का वुदू नहीं हुआ जिसके मोदे फटे हुए हैं मिकदार में। जी वुजू टूट जाता है उससे, वुजू टूट जाएगा। नजर क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास भी सेंड नहीं हो रहा, कोई लिख दे ये लफ्ज, अगर किसी को आते हैं ना मनी बदी मदी ये लिख दें कोई।
जी लेडीज के साथ भी ये मसला हो सकता है, दोनों का हुक्म एक ही है। रजात की मुद्दत 2 साल है लेकिन इसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वो पॉइंट ये था, वो पॉइंट ये था, हाँ ठीक सही लिखा हुआ आपने। अच्छा वो पॉइंट ये था कि अगर किसी शख्स ने नमाज पढ़ ली है और उसके बाद मोजे उतार दिए हैं, मसा करके उसने मोजे पहने थे, यानी मोजू पर मसा किया था, उसने दोबारा मोजे उतार कर दोबारा पहने हैं, तो अब उसको दोबारा वो ऐसी सूरत में उसे दोबारा वुजू करना होगा। ये अगर बहुत ही शुरू में इसका जो वदी है, इब्तदा बिल्कुल इब्तदाई शहवत में अगर पानी का खुरूज हो, मर्द या औरत उसको वदी कहते हैं, और अगर इस इब्तदाई शहवत से थोड़ा सा आगे जाकर खुरूज हो उसको मदी कहते हैं, लेकिन जिससे जिससे शहवत खत्म हो जाती है उसको मनी कहते हैं। हाँ 5 नमाजें और उधर 15 नमाजें, 24 घंटे और बाकी वो 3 दिन 3 रातें। वैसे भी पहन सकते हैं इसके लिए, जरूर बस वुदू शर्त है, कोई नमाज के लिए किया या वैसे ही किया। लिकोरिया खवातीन को कुछ एक बीमारी होती है, पानी का खुरूज होता रहता है, तो ये भी इसका हुक्म भी वही है, इससे भी वुदू टूट जाएगा। जी मौदू पर मसा, उसने जनाबत का तरीका इंशाल्लाह आ रहा है, सब्र कीजिए। जी ससुराली रिश्तेदारों का, इसलिए अली रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लम की बेटी की वजह से यह सवाल आपसे नहीं पूछा। औरत भी इसी तरह मसा करेगी। अच्छा मौजे और जुराबे दोनों पर मसा, चाहे वो चमड़े की है चाहे कपड़े की है, दोनों पर मसा जायज है, दोनों पर साबित है हदीस में। किसी भी कपड़े की हो सकते हैं। नहीं जिस्म ढीला नहीं पड़ता उसमें, जिस्म ढीला पड़ जाए जो शहवत खत्म हो जाए वो मनी होती है, मजी से ऐसा नहीं होता। हर नमाज के लिए नए वुजू करना पड़ेगा लिकोरिया की सूरत में। जी हो सकता है, इतनी बारीक ना हो कि पांव नजर आए बस। मोजे किसी भी कपड़े के चमड़े के लेकिन बारीक ना हो जायज है। पूरे बाल गीले करना जरूरी नहीं है। तंजा कहते हैं तहारत हासिल करना। अगर बीमारी है ना तो फिर नमाज के शुरू में वुदू करके पूरी नमाज पढ़ लें, चाहे दरमियान में होता रहे कोई हर्ज नहीं है। अच्छा दो बीमारियां होती हैं, एक खून की बीमारी जिसको इस्तिहादा कहते हैं खवातीन को, और दूसरी लिकोरिया की बीमारी, तीसरी कुछ लोगों को हवा खारिज होने की बीमारी होती है। अगर वाकई बीमारी है
बस मुसलसल ये जारी है। तो हर नमाज के लिए नया वुजू होगा, आप वुजू करके नमाज पढ़ लें, उसके दौरान ये अगर पानी का खुरूज, खून का खुरूज, हवा का खुरूज होता रहे तो आप नमाज मुकम्मल कर लें अपनी फर्ज सुन्नतें सारी। नेक्स्ट नमाज के लिए फिर नया वुजू करना पड़ेगा। जी हाँ, मसा करके आपने नमाज पढ़ी है फिर आप मौजे उतार देंगे तो आपका वुजू खत्म हो गया। जी ठीक है, सही लिखा आपने। कैसी है देखें, औरत के लिए जरूरी नहीं है कि पूरे बाल करें, आप अपने बालों को साइड में करके गुद्दी तक ले जाएं और साइड में करके वापस ले आए, पूरे बालों पर हाथ घूम सकता है तो घुमा लें, उसमें जरूरी नहीं है। ऊपर से मसा करना होता है, हर बाल को पानी से गीला करना नहीं होता। सफर में गुसल वाजिब हो गया है, पानी नहीं मिल रहा तो तयम्मुम करेगा, तयम्मुम का तरीका आगे आ रहा है। जूतों के ऊपर मसा नहीं हो सकता। जुलहज्जा के 9 रोजे रख सकते हैं आप, मुसलसल 9, 10 जुलहज्जा को तो ईद है, ईद के दिन रोजा नहीं होता, आप चाहें तो मुसलसल 9 रोजे रख सकते हैं, चाहे एक आप जुमेरात और पीर का रख लें, चाहे सिर्फ 9 जुलहज्जा का आराफा का रोजा रख लें जो 2 साल के गुना माफ होते हैं। 9 जुलहज्जा, हर कोई अपने मुल्क की तारीख के हिसाब से 9 जुलहज्जा का रोजा रखे, इस दिन के रोजे से दो जो है आपके अल्लाह भला करे 2 साल के, एक गुजश्ता और एक आइंदा आपके माफ हो जाएंगे। जी हर नमाज के लिए नए वुजू करना होगा, सुन्नत वगैरह पूरी आप उसे एक वुजू से पढ़ेंगे। ईद के दिन रोजा रखना मना है, ईद के दिन रोजा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ईद का जब तक आप कुर्बानी ना कर लें तो रोजा, ये बात बिल्कुल गलत है, मौजू है। अगर कोई जख्म लगा हुआ है तो उस पर पट्टी है तो मसा कर लें, सगीरा गुना माफ होंगे, कबीरा सिर्फ तोबा से माफ होते हैं। अरफा का रोजा भी कजा में शामिल होता है, कजा क्या होती है, नहीं वो 8 जुलहज्जा को ही रखना है, 9 जुलहज्जा को ही रखना है बस। नहीं, अगर आपने मौजा मौजों पर मसा किया था फिर उतारे हैं, मसे करने के बाद आपने मौजे उतारे हैं तो फिर आपका वुजू टूट गया, लेकिन वुजू करके आपने पहने थे, अभी आपका वुदू बरकरार है। अगर आप मौजे उतार भी देते हैं तो आपका वुदू है, लेकिन मसा किया था आपने फिर उतारे हैं, क्योंकि पांव नहीं धुले थे आपने, मसा किया था इसलिए आपका वुदू टूट गया। कोई 22 हदीस का पॉइंट नंबर 3 नकल कर दे। तोबा का मतलब ये होता है कि अल्लाह से ये कहना, अल्लाह मेरे ये कबीरा गुनाह है, मेरे बड़े बड़े ये गुनाह है तो माफ कर दे। सिर्फ जुमे का रोजा रखना मना है, लेकिन आराफा का रोजा जुमे के दिन आ रहा है वो जायज है, क्योंकि उसकी अलग से इजाजत है। नहीं नहीं, कुर्बानी का कोई बदल नहीं है, आप खाना भी खिला दें लेकिन कुर्बानी का बदल कोई नहीं चीज हो सकती, कुर्बानी आपने करनी है अगर इस्तेआत है। नहीं नहीं, हर बार वुदू करने के लिए इस्तंजा जरूरी नहीं है, ये तकल्लुफ है।
भाई अगर आपने वुदू किया, पेशाब किया, इस्तंजा किया है, तो उसके बाद जरूरी नहीं हर नमाज के लिए आप वुदू कर, वुजू के साथ इस्तंजा, वुदू के साथ इस्तंजा नहीं है, इस्तंजा का ताल्लुक पेशाब के साथ है, वो मैंने बता दिया है। भाई अगर आपकी कोई पट्टी वगैरह जख्म किया तो सिर्फ मसा कर लें ऊपर बस। हम जुमे की वजह से नहीं रख रहे हैं, वो नौ जुलहज्जा का रोजा इसलिए रख रहे हैं, हदीस में नौ जुलहज्जा का रोजा रखना हुक्म है। जी वुजू टूट गया, खत्म हो गया, दोबारा वुजू करना पड़ेगा आपको। वुजू के दौरान अगर हवा खारिज हो दोबारा शुरू करेंगे वुजू। अल्लाह के रसूल ने मना किया जुमे के दिन रोजा रखने से और तहज्जुद की नमाज जुमे की रात को खास करने से। भाई रोजा रखें जुमेरात या पीर का, या जुमे के साथ कोई दिन मिलाकर रखें, जुमरा जुमा का रख लें, इसकी हिकमत नहीं बताई गई। नबी इस्लाम का हिस्सा डालना सहाबा से साबित नहीं है, बिल्कुल साबित नहीं है। हिजाब में मसा करने का, भाई मसा तो आप हिजाब को ऊपर करें और मसा कर लें। सिर्फ फ्राइडे की रात को तहज्जुद या फ्राइडे की सुबह रोजा ये मना है, उसके साथ कोई और दिन मिल जाए तो जायज है। पढ़ सकते हैं जी हाँ, बिल्कुल जायज है। एक आदमी पूरी गाय कर सकता है, दो आदमी मिलकर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सात है, कम की मर्दी है। नहीं अगर ये वसवसा ही होता है, ये वसवसा ही होता है, अगर यकीन है, हदीस आगे अगली हदीस यही है, यकीन है हवा खारिज हुई तो वजू टूट गया, नमाज खत्म। अगर सिर्फ शक है तो शक की वजह से नमाज नहीं तोड़ेंगे आप। नहीं नहीं जनाब, सिर्फ अकेला आप मसला समझते क्यों नहीं है, सिर्फ जुमे का दिन, बाकी अगर आप कई दिन पढ़ते हैं तो पढ़ते रहें। जरूरी है बिस्मिल्लाह, जरूरी है, भूल जाए तो माफ है, अगर ना छोड़ नहीं सकते जी। हैज के बाद गुसल में बाल खोलना जरूरी है, जनाबत में जरूरी नहीं है, यानी हम बिस्तरी अगर शोर के साथ है फिर जरूरी नहीं है, लेकिन हैज के बाद जरूरी है। यकीन की सूरत में करना चाहिए, शक की सूरत में नहीं। हाँ शैतान इंसान की इबादत को खराब करने के लिए वसाविस भी डालता है, उस पर तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बस काफी हो गया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।